मात्र 24 घंटे में लीवर की सारी गंदगी बाहर निकालें और हर बीमारी से बचें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीवर क्लींजिंग के बारे में। लीवर की बात करें तो ये हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारे खून को साफ करने के साथ साथ भोजन को पचाने में भी मदद करता है और लीवर में बने बाइल जूस से खाना पचाने में मदद मिलती है। लेकिन हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कई बार लीवर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाता और उसकी भोजन पचाने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रोसेस्ड फूड खाना, ज्यादा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा धूम्रपान करना। इन सब का हमारे लीवर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो इसमें भी आपका लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। लीवर पर अधिक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से आपके शरीर के विषैले पदार्थ को वो बाहर नहीं निकाल पाता और शरीर में जब ये गंदे और विषैले पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं तो कहीं न कहीं इनका असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा है, या लीवर फैटी है, या फिर आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो आगे चलकर ये और भी कई प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो सकती हैं, जैसे किडनी का ठीक से काम ना करना, आपकी स्किन की ग्लो का खत्म हो जाना, या फिर बालों का गिरना, या बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको लीवर क्लींस करने की 3 होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आपकी लीवर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। शुरू करते हैं फर्स्ट रेमेडी से, जो है किशमिश का ड्रिंक। किशमिश के पानी में भरपूर विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। किशमिश एनर्जी से भरपूर लो फैट एनर्जी ड्रिंक है। इसमें काफी मात्रा में विटामिन, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसे पानी में भिगोने से इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। किशमिश का पानी पीने से ये आपके लीवर को क्लींस कर देता है। किशमिश का पानी कैसे बनाना है, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको 3 से 4 ग्लास पानी लेना है और उसमें 1 कटोरी यानी कि लगभग 100 ग्राम किशमिश आपको भिगो कर रख देना है। किशमिश अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और गहरे रंग की किशमिश ले तो ज्यादा अच्छा होगा। आधे घंटे किशमिश पानी में भिगोना है, फिर इस पानी को किशमिश के साथ ही उबलने के लिए रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए किशमिश को पानी में उबालना है और फिर इस पानी को छान लेना है। ये पानी आप रात भर पड़ा रहने दें और फिर सुबह से इस पानी को पीना शुरू करें। ये पानी आपको पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीना है, दिन में 3 से 4 बार। ये उपाय आपको 2 से 3 दिन करना है। इससे आपका लीवर क्लींस हो जाएगा। अगर आपको फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस है तो इसमें भी बहुत हेल्पफुल है ये रेमेडी, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। इनफैक्ट किशमिश के पानी में ढेर सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपकी थकान और कमजोरी को दूर करेंगे और आपको एनर्जी देंगे। इसके अलावा किशमिश में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट रेमेडी है गाजर और चुकंदर यानी कि बीट रूट का जूस। इन दोनों में भारी मात्रा में फ्लेवोनॉइड मौजूद होता है, साथ ही इनमें बीटा कैरोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये आपके लीवर की फंक्शनिंग को सुधारने का काम करते हैं। 1 गिलास के करीब गाजर और बीट रूट का जूस आपको लेना है। आप या तो जूसर में गाजर और चुकंदर का रस निकाल लें, या फिर आप मिक्सी में इनको पीस लें और मलमल के कपड़े से छान लें। इससे आपका लीवर क्लींस हो जाएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ये उपाय करना है। लीवर को क्लींस करने की थर्ड रेमेडी है नींबू और हल्दी का पानी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और आपका लीवर खट्टे फलों को बहुत पसंद करता है क्योंकि इससे टॉक्सिन्स को निकालने में मदद मिलती है। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ना है और साथ में मिलाना है हल्दी। हल्दी आपके लीवर का पसंदीदा मसाला है क्योंकि हल्दी से बाइल जूस बनाने में लीवर को हेल्प मिलती है। आधा चम्मच हल्दी आपको नींबू में मिला देना है और सुबह खाली पेट पीना है। इससे आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और लीवर की सफाई हो जाएगी और लीवर की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। इन 3 रेमेडी में से आपको जो भी आसान लगे और जिनके इंग्रेडिएंट्स आपके पास हो उनको आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इसे 15 दिन में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपको ढेरों फायदे मिलेंगे, और अगर आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका हार्ट सब अच्छे से काम करेगा, क्योंकि खून की अशुद्धियां और खाने का ना पचना ही हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।